नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताजा तरीन खबरों पर। अपशब्द कहने पर विधायक देवेंद्र बबली ने जताया खेद, जाने किसानों पर दर्ज केस वापस होंगे या नहीं। टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के बीच 1 जून को शुरू हुआ विवाद थमता नजर आ रहा है। विधायक और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत में विधायक द्वारा जहां खेद जताया गया है, वहीं किसानों पर दर्ज मामले रद्द करने और उनकी रिहाई को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच बातचीत जारी है। किसान नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद बबली ने कहा कि 1 जून को जो घटना हुई, उस घटना में जिन लोगों ने जो किया उसके लिए मैं उनको माफ करता हूँ, और इस घटना के दौरान मेरे मुँह से जो अपशब्द निकले हैं, चूंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता। हरियाणा में मंदा पड़ा कोरोना, शनिवार को 723 केस मिले, 10,000 से कम हुए एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना का संक्रमण मंदा पड़ रहा है। शनिवार को प्रदेश में 723 केस सामने आए और 59 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात है, नूह जिले में केवल 1 और चरखी दादरी में 5 और पलवल में केवल 7 केस मिले। शनिवार को 1,744 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद एक्टिव केस 9,974 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 761,637 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 742,999 लोग ठीक हो चुके हैं और 8,664 मरीजों की मौत हो गई। रिकवरी दर बढ़कर 97.55% पर पहुंच चुकी है। वहीं अगर बात करें शनिवार की, कहां पर कितने केस मिले हैं, तो शनिवार को गुरुग्राम में 45, फरीदाबाद में 37, सोनीपत में 29, हिसार में 75, अंबाला में 40, करनाल में 57, पानीपत में 18, रोहतक में 21, रेवाड़ी में 19, पंचकुला में 66, कुरुक्षेत्र में 24, यमुनानगर में 67, सिरसा में 55, महेंद्रगढ़ में 21, भिवानी में 19, झज्जर में 15, पलवल में 7, फतेहाबाद में 29, कैथल में 25, जींद में 48, नूह में 1 और चरखी दादरी में 5 केस मिले। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर बराड़ा के SHO सस्पेंड, पढ़े पूरा मामला। रात के अंधेरे में 14 दुकानों पर JCB चलाने के मामले में गृह मंत्री अनिल विज सख्त दिख रहे हैं। दुकानदारों के आरोपों की वजह से विज ने SHO बराड़ा सुरेश कुमार को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही सबूत मिलने पर प्रॉपर्टी कारोबारी हरदीप सिंह जग्गी के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। विज की ओर से SP हामिद अख्तर को इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करने की बात कही है। उधर विज की सख्ती के बाद पुलिस ने मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस पहले ही JCB चालक को पकड़ चुकी है। अब पकड़े गए लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। राकेश टिकैत की चेतावनी, किसानों की गिरफ्तारी का शौक है तो पक्की गिरफ्तारी करके दिखाए सरकार। टोहाना अनाज मंडी में किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन को आज 6 महीने से अधिक समय हो चुका है। किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली है कि वे किसान आंदोलन के केंद्र बिंदु को दिल्ली से हटाकर हरियाणा में शिफ्ट कर देंगे। CM इसे जींद के आसपास लाकर यहीं आंदोलन को समेटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए कि किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली का आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। सरकार की चाल में किसान फंसने वाले नहीं है। टिकैत ने कहा कि किसानों की मांग केवल इतनी है कि 3 कृषि कानून वापस हो, MSP पर कानून बने, बिजली संशोधन बिल वापस हो। घर के बाहर सो रहा था परिवार, तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को मारी टक्कर, 3 की हालत गंभीर। राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप बटखल रेलवे पुल के बराबर में बसी बुद्ध कॉलोनी में बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने मकान के बाहर चरपाइयों पर सो रहे परिवार को टक्कर मार दी। इसके बाद कार दीवार तोड़कर निर्माणाधीन मकान में घुस गई। मकान का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में महिला, पुरुष व 4 बच्चे घायल हैं। 3 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया था, लेकिन वह किसी निजी अस्पताल में उपचार करवा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना का शुभारंभ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के 50 से अधिक स्थानों पर पंचवटी वृक्षारोपण का उद्घाटन किया और पंचकुला में लगभग 100 एकड़ भूमि पर ऑक्सीजन वाटिका का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना का भी शुभारंभ किया। मनोहर लाल ने कहा कि प्राण वायु देवता के नाम से 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रख रखाव के लिए 2500 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन दी जाएगी और इस पेंशन में भी बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुसार हर वर्ष बढ़ोतरी होगी। प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए देश के हर गांव में पंचवटी के नाम से पौधरोपण किया जाएगा। इसके अलावा खाली जमीन पर एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत की आय बढ़े। तेज रफ्तार ले गई जिंदगी, डिवाइडर से टकराए इको वैन, 2 दोस्तों की मौत, चालक समेत 2 घायल। गांव बड़वासनी से पहले CNG स्टेशन के बाद तेज रफ्तार इको वैन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में इको सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई और चालक समेत 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने वैन सवार युवक के बयान पर चालक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
हरियाणा में आए 8,000 इंजेक्शन, इतने मरीजों का चल रहा उपचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में चल रहे ब्लैक फंगस की समस्या के निपटान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं और अब पिछले 3 दिनों से ब्लैक फंगस के केस स्थिर हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अस्पतालों में करीब 600 मरीजों का उपचार चल रहा है। ब्लैक फंगस के लिए करीब 8,000 इंजेक्शन आए हैं। किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस महामारी में सभी के सहयोग की जरूरत है। सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन करना चाहिए। पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु होने पर आवेदन के 48 घंटे के अंदर परिजनों को मिल जाएगी सहायता राशि। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की शादी के समय दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली कन्यादान राशि और किसी कारण से श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि आवेदन करने के 48 घंटे के अंदर आवेदनकर्ता को मिल जानी चाहिए। कुमारी शैलजा कतंज, हरियाणा में बढ़ी बेरोजगारी, कहां गए भाजपा जजपा के वादे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार वायदे करके मुकरने वाली सरकार बनकर रह गई है। इनके पास सरकार चलाने का अनुभव कतई नहीं था और वायदों के दम पर सरकार बनाकर अभी सब वायदों भूल चुकी है। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से सरकार के खोखले दावों की सच्चाई अब जग जाहिर हो चुकी है। शैलजा ने कहा कि प्रदेश में जब भाजपा जजपा सरकार का गठन हुआ था तो ये बहुत से वायदे लेकर प्रदेश की जनता के सामने आए थे, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, उद्योग, बेरोजगारी, लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया करवाना, स्वच्छता व अपराधों पर नकेल कसना शामिल था। एमडीयू की ऑनलाइन परीक्षाएं 16 जून से। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर बलजीत सिंह सिंधु ने कहा कि जिन पाठ्यक्रमों की मार्च 2021 में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी, उनके लेफ्ट आउट पात्र विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड से 16 जून से ही आयोजित की जाएंगी। पीएचडी कोर्स वर्क, एमफिल प्रथम व दूसरे सेमेस्टर तथा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी 16 जून से ऑनलाइन मोड से प्रारंभ होंगी। सिरसा में फल मंडी को लेकर नहीं थमा विवाद, प्रशासन फल विक्रेताओं को जारी करेगा नोटिस। कपास मंडी में फल मंडी नहीं लगाने पर विवाद अभी थमा नहीं है। मंडी में फल मंडी नहीं लगाने वाले फल विक्रेताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। इसी के साथ प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के लिए मार्केट कमेटी को निर्देश जारी कर दिए हैं, जबकि फल विक्रेता रानिया रोड पर स्थित सब्जी मंडी में ही फल मंडी लगा रहे हैं। पेट्रोल डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करने के लिए पॉलिसी बनाएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण व पेट्रोल डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तन करने के लिए एक पॉलिसी बनाएगी। इसके लिए वाहन निर्माताओं व उद्योग क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और पॉलिसी निर्माण को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, महानिदेशक साकेत कुमार के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। दुकानदारों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा रिकॉर्ड, तब मिलेगा मालिकाना हक। नगर निगम की दुकानों में 20 साल से पुराने किराएदारों को मालिकाना हक मिलने का रास्ता पहले ही साफ हो गया था। 2018 में घोषणा कर दी गई थी कि अब उन्हें कलेक्टर रेट में भी छूट दे दी गई है। जो दुकानदार जितना पुराना होगा उसके हिसाब से कलेक्टर रेट में छूट मिल जाएगी। जो दुकानदार दुकानों पर मालिकाना हक लेना चाहते हैं, उनके लिए नई जानकारी ये है कि पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 7 तरह की जानकारी सरकार ने मांगी है जो दुकानदार को पोर्टल पर देनी होगी। इसके बाद डाटा सरकार के पास जाएगा और फिर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होगी। हरियाणा में किसानों ने 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर सांसदों और विधायकों के आवासों का किया घेराव। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 3 काले कानूनों के खिलाफ हरियाणा में भाजपा विधायकों व सांसदों के आवास का घेर कर काले कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पंचकुला में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया। किसान आज 3 कृषि कानूनों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। खुद को मुख्यमंत्री की रेस में आगे समझ अपनी ढपली अपना राग अलापने में लगा है विपक्ष विनोद मेहता। हरियाणा के मुख्यमंत्री पर हिसार में किसानों द्वारा किए गए हमले का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली पर हमले के बाद हुई कानूनी कार्यवाही से जहां आंदोलनरत लोग भड़के हुए हैं और विधायक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्षी नेता इस आंदोलन में अपने को किसान नेता, किसान मसीहा साबित करने की जद्दोजहद में जुटे हैं, लेकिन आज तक नरम रुख अख्तियार कर रही सरकार अब आंदोलनकारी किसानों के रवैये के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में फ्रेट कॉरिडोर के जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी, 3 HCS समेत 9 अफसरों पर एक्शन।
हरियाणा में स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जिला पलवल में जमीन के अधिग्रहण के मामले में अनियमितताएं उजागर हुई हैं। फरीदाबाद के मंडल आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 HCS अधिकारियों और 6 अन्य अफसरों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मंजूरी प्रदान कर दी है। मंडल आयुक्त रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वित्तायुक्त एवं राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यात्रियों को राहत, अब कैथल से जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल सहित 4 जिलों की बसें शुरू। हरियाणा रोडवेज के बस यात्रियों के लिए खुशखबरी, कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के साथ ही रोडवेज विभाग की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके चलते कैथल डिपो की तरफ से जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, रोहतक, गुरुग्राम व घुलाचका जाने वाली रात्रि ठहराव बसों को भी शुरू कर दिया गया है। रोहतक में JLN नहर किनारे मिली लाशें, दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, 3 जून को संदिग्ध हालत में हुए थे गायब। हरियाणा के रोहतक जिले में शनिवार सुबह JLN नहर से एक युवक का शव बरामद हुआ। इससे पहले 3 जून को रिठाल गांव के पास नहर से महिला का शव मिला था। दोनों मृतक गांव कलानौर निवासी थे और 3 जून से ही लापता थे। दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। STET पास लोगों के लिए खुशखबरी, अब 7 साल नहीं जीवन भर के लिए मान्य रहेगा प्रमाण पत्र, साल 2011 से लागू होगा फैसला। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने पर मिलने वाला प्रमाण पत्र अब तक जीवन भर मान्य रहेगा। राज्य सरकार का यह फैसला 2011 से लागू होगा। अभी तक इसकी वैधता 7 साल थी। इससे 2,61,611 युवाओं को दोबारा हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करनी होगी। बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि जल्द ही इन्हें आजीवन वैधता संबंधित प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन कर दी थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल ने घोषणा की थी। कोरोना है बहाना, राजनीति है चमकाना, भजन के लाल समर्थकों का टटोल रहे मन। कोरोना तो है बहाना, असल में राजनीति है चमकाना। कुछ इसी फॉर्मूले पर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति इस समय चल रही है। कोरोना महामारी के बहाने कार्यकर्ताओं से नजदीकियां स्थापित करना एवं पुराने गिले शिकवे दूर करने के लिए वर्चुअल मीटिंग का दौर लगातार जारी है। हर राजनीतिक दल के नेता इस समय इसी प्रकार की राजनीति करने में जुटे हैं। अब इसमें एक और नाम प्रदेश के पूर्व CM चौधरी भजन लाल के पुत्र एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई का नाम भी जुड़ गया है। हरियाणा में लगाए जाएंगे 3 करोड़ पेड़, पंचायत की 8 लाख एकड़ भूमि के 10% पर होगा पौधरोपण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्यावरण दिवस पर कहा कि प्राकृतिक ऑक्सीजन को लेने के लिए प्रदेश में 1 साल में 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। हरियाणा में पंचायत की 8 लाख एकड़ भूमि में से 10% भूमि पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिसका नाम ऑक्सीवन होगा। इतना ही नहीं, 1 वर्ष में लगे सभी पेड़ों के नाम भी ऑक्सीवन रखा जाएगा। पेट्रोल पंप के कारिंदों से लूटे 40,000 रुपए, CCTV में कैद हुई वारदात। हिसार के सदर थाने के तहत साउथ बाईपास के पेट्रोल पर 3 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान लुटेरे पिस्तौल के बल पर कारिंदों से 40,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट की वारदात CCTV में कैद हो गई है। पुलिस ने 3 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस CCTV फुटेज लेकर छानबीन कर रही है। लूट के मामले को लेकर पेट्रोल पंप पर एसोसिएशन का शिष्टमंडल सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मिलेगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान, डॉक्टर ने ब्लेड से काटकर बबली के निजी सचिवों के लगाए टांके। बबली प्रकरण मामले में गिरफ्तारी देने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, उन्हें रद्द करवाएं। उन्होंने कहा कि विधायक बबली व जिस डॉक्टर ने ब्लेड से काटकर टांके लगाए हैं और झूठा केस बनाया है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो। कोरोना ने दिया जख्म, अब अनाथ बच्चों के आंसू पोंछने की तैयारी। पानीपत में 21 ने खोए पिता। पानीपत में 21 ऐसे बच्चे किशोर हैं जिन्होंने महामारी में पिता को खो दिया है। पीड़ितों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ दिलाने के लिए बाल कल्याण समिति ने दस्तावेज मांगे हैं। CWC के चेयरपर्सन एडवोकेट पद्मा रानी ने बताया कि कार्यालय में 18 साल से कम आयु में 20 ऐसे बच्चे आए हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में पिता को खो दिया है। गाँव हथवाला की एक बच्ची है जिसके पिता की मृत्यु मई 2021 में हुई है। माँ की मृत्यु करीब 10 साल पहले बीमारी से हो चुकी थी। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।